तो अभी हमने एक औषधि बनाई है कायाकल्प क्वास। तो कायाकल्प क्वास के अंदर क्योंकि ऐसे द्रव्य हैं उससे थोड़ा पेट साफ होता है, तो हमने देखा कि कायाकल्प क्वास और कुटज का काढ़ा बना करके पिला देने से पेट भी ठीक रहता है, और जो सबसे बड़ी बात है वह मधुमेह या मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए बहुत ही कारगर है। तो ये कूड़े को आप देख लें, इनके पत्तियों को देख लें, यह बहुत ही अच्छा वृक्ष है क्योंकि अभी इसमें पुष्प आने में समय है। तो यह पौधा तो आपके अतिसार के लिए, दस्त के लिए बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। कि जैसे सोंठ है, सोंठ वो मल को बांधता नहीं है, मल को बंधने से रोकता है। तो हमने फिर एक फार्मूला बनाया कि कूड़े की छाल और कूड़े की छाल में बराबर मात्रा में जैसे सोंठ, हरड़ और कूड़ा, यदि इसका तीनों का पाउडर कर करके यदि आप सेवन करते हैं तो ये आर्थराइटिस के लिए और आमवाद के लिए बहुत ही कारगर है। 10 ग्राम कूड़ा छाल ले लिया, 10 ग्राम सोंठ ले लिया और 10 ग्राम उसके अंदर मिला देते हैं हम हरड़। हरड़ भी क्योंकि वायु शामक है तो हरड़, कूड़ा और उसके कूड़े की छाल के अंदर आपने मिला दी सोंठ, सोंठ, हरड़ और कूड़ा, यदि इसका तीनों का पाउडर कर करके यदि बराबर मात्रा में देते हैं तो उसे पेट भी ठीक रहता है, कब्ज भी नहीं रहता है, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है और अर्थराइटिस के लिए और आमवाद के लिए बहुत ही लाभकारी प्रयोग है, बहुत ही निरापद प्रयोग है और डायबिटीज के रोगियों के लिए भी यह बहुत ही उत्तम है। यदि किसी को कोई डायबिटिक है, किसी को पेट की समस्या है, किसी को अर्थराइटिस है, ये तीनों बीमारियां यदि एक साथ हो तो आपको और किसी औषधि की मैं समझता हूँ कि आप प्राणायाम करिए, योग अभ्यास करिए और एक कूड़ा, सौंठ और हरड़, तो इन तीनों का पाउडर करके आप सेवन करें, आपको भरपूर लाभ होगा। ये अनुभूत है, ये बहुत ही उत्तम प्रयोग है। तो किसी भी तरह के दस्तों को रोकने के लिए, एमेबाइसिस के लिए, कोलाइटिस के लिए, संग्रहणी के लिए, आँव के लिए यह बहुत ही उत्तम पौधा है। हालांकि कड़वा है तो आप इसको पाउडर करके ले सकते हैं, आप इसको घन करके गोली बना करके ले सकते हैं, बाजार में बनी हुई आसव और आरिष्ट पी सकते हैं।